नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। इस वीडियो में हम इकोनॉमी का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर पे बेस्ड होते हैं। ये है हमारा डेली वीकली करंट अफेयर का डेली का शेड्यूल, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारी डेली लाइव क्लासेस का शेड्यूल, जो शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट PCS की क्लासेस चलती हैं और शाम को 6 से 8 बजे तक UPSC की क्लासेस चलती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम क्यों कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। गिग इकोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं, टेक होम राशन कार्यक्रम पे एक रिपोर्ट आई है इसको हम देखने वाले हैं, FCRA अभी करंट में न्यूज में था, माइका अभी एक नियम बना है और भारत के बाह्य ऋण में वृद्धि हो रही है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। नीति आयोग ने गिग अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये गिग इकोनॉमी या गिग अर्थव्यवस्था है क्या। यह एक मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां स्थायी रोजगार नहीं मिलता है, उसके स्थान पर अस्थायी रोजगार का प्रचलन होता है, उसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। इसके तहत कंपनियां अपनी खास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्रीलांसर या स्वतंत्र वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे किसी कंपनी को जरूरत है किसी कैड के डिजाइन की जरूरत है, तो ये किसी फ्रीलांसर वेबसाइट में जाके अपना रिक्वायरमेंट डाल देंगे कि मुझे ये डिजाइन बनवाना है। जिसको कैड आता होगा, कैड चलाना, वो आपको डिजाइन बना के दे देगा, लेकिन वो आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है, परमानेंट जॉब नहीं कर रहा है। आप उससे अब परमानेंट जॉब के बराबर का ही काम लेके उसको वन टाइम पेमेंट कर देंगे, यही एक फ्रीलांसिंग होती है और ये एक गिग इकोनॉमी का प्रकार है। गिग अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के कर्मी होते हैं, एक होता है गिग कर्मी और एक होता है प्लेटफॉर्म कर्मी। गिग कर्मी कौन होता है, ये अनौपचारिक वेतन कर्मी होते हैं और ये आत्मनिर्भर कर्मी भी होते हैं। जरूरी नहीं कि ये किसी के यहाँ जॉब करें ही, ये सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे छोले कुलचे के ठेले में कोई या कि खुद का ठेला लगाया है या कि वो किसी दूसरे के यहाँ जॉब कर रहा है, तो ये किस में आएंगे, ये गिग कर्मी आएंगे। और प्लेटफॉर्म कर्मी कौन होते हैं, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप में जॉब करते हैं, जैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म कर्मी होंगे, रहेंगे ये गिग अर्थव्यवस्था का ही पार्ट। लेकिन इसमें दो टाइप हैं, एक है गिग कर्मी जो अनौपचारिक सेक्टर में जॉब करेगा और एक प्लेटफॉर्म कर्मी जो औपचारिक सेक्टर में काम करता है और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आधारित कार्य करते हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं, ये इस रिपोर्ट ने बताया है कि 77 लाख गिग कर्मचारी भारत में 2020-21 में थे, जो कि टोटल वर्क फोर्स का 1.5% है और 2029-30 तक ये लगभग 2.35 करोड़ हो जाएंगे। कौन, ये गिग वर्कर्स। अब इसमें कौन कौन होते हैं, मतलब स्किल्ड कैसी जरूरत होती है गिग वर्कर की, स्किल्ड कैसी है, ये इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि 22% जो वर्कर हैं वो हाईली स्किल्ड जॉब कर रहे हैं और 47 वर्कर्स मीडियम स्किल्ड जॉब कर रहे हैं और 31% वर्कर्स लो स्किल्ड जॉब कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी में 22% हाईली स्किल्ड हैं, 47% मीडियम स्किल्ड हैं और 31% लो स्किल्ड जॉब कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है टेक होम राशन कार्यक्रम। टेक होम राशन कार्यक्रम ये क्या है, यह नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई है, टेक होम राशन एंड गुड प्रैक्टिसेस, ये रिपोर्ट जारी की, कौन जारी किया है, नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड
फूड प्रोग्राम और नीति आयोग, इन दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट जारी की है। कौन सी? टेक होम राशन कार्यक्रम रिपोर्ट। ये विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है? यह एक ऐसी संस्था है जो युद्ध व प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने के तरीके बताता है। इसे ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको याद रखना, क्योंकि 2020 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसकी स्थापना 1961 में की गई। कहाँ? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? रोम, इटली। और यहीं पे इसकी स्थापना भी हुई थी, इटली में ही, और वहीं उसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था। 1961 में स्थापित की गई थी, 2020 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और टेक होम राशन कार्यक्रम क्या है? यह एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम सेवाओं के पूरक पोषण कार्यक्रम का एक भाग है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के पूरक पोषण कार्यक्रम का एक भाग है। क्या? टेक होम राशन स्कीम। इस कार्यक्रम, ये पूरक पोषण कार्यक्रम क्या है? इसमें क्या है, पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। किसके पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है? 6 से 36 माह के बच्चों की और गर्भवती व स्तनपान करने वाली माताओं के पोषण का ध्यान रखा जाता है। किस कार्यक्रम के तहत? पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत। और ये किसके अंतर्गत आता है? टेक होम राशन स्कीम के अंतर्गत। अब ये पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के दो तरीके हैं। पहले एक तरीका है क्या कि उस उन जो आवश्यक जिनको आवश्यकता है उनको पके हुए गर्म भोज्य पदार्थ दिए जाएं और उनको कच्चे अनाज दे दिया जाए। किसके किस स्कीम के तहत? टेक होम राशन के द्वारा, या कि इनको पैकेट में पका हुआ भोजन भी दिया जा सकता है टेक होम राशन स्कीम के द्वारा। अगला टॉपिक है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है। यह क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ये नया एक्ट संशोधन करके नया एक्ट बना 2022। यह नए नियम गृह मंत्रालय के गजट में प्रकाशित किए गए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये नियम FCRA 2022 से रिलेटेड जो नियम है वह गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। ये अगर ऑप्शन बनाएगा यूपीएससी तो ये कह सकता है कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह के ऑप्शन देके आपको फंसा सकता है। इसमें आपको याद रखना है FCRA से रिलेटेड जो कानून बनाए जाते हैं वह गृह मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं। आगे ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों गृह मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, गृह मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं। FCRA ये है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। इसका उद्देश्य क्या है? देश के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी फंडिंग को रोकना। इसलिए देश की सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की। इसीलिए इस ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये नियम कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? देश के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी फंडिंग को रोकना। आप देखते होंगे न्यूज में आता है कि कोई दंगा हुआ तो उसमें कह देते हैं कि विदेशी फंडिंग हुई उसमें। अभी एक न्यूज में क्या चल रहा है कि एक कोई फैक्ट चेकर है, फैक्ट चेकर उसको पुलिस ने पकड़ लिया है ये नुपुर शर्मा वाले केस में, कि उसको FCRA कानून का उसने उल्लंघन किया, उसको विदेशों से फंडिंग मिली थी ये साजिश रचने के लिए। अब वो देखते हैं, वो तो न्यूज का विषय है, वो हमारे काम का नहीं है, बस आपको बता दिया करंट में ये चल रहा है इसलिए ये न्यूज में है FCRA। इसके नए नियम क्या हैं? पहला है NRI। NRI या कोई अन्य व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, जो विदेश गया हो जॉब करने या किसी और काम से, वह अपने रिश्तेदारों को 1 साल में 10 लाख रुपए तक भेज सकता है, वो भी बिना
गवर्नमेंट को बताए, 1 साल में कितना 10 लाख रुपए तक भेज सकता है। पहले लिमिट क्या थी, 1 लाख रुपए की पहले लिमिट थी। अब वो 1 साल में 10 लाख रुपए तक बिना गवर्नमेंट को बताए भेज सकता है अपने रिश्तेदारों को। दूसरा क्या है, यदि 10 लाख रुपए से ज्यादा भेज रहे हैं तो प्राप्तकर्ता को 90 दिनों के अंदर भारत सरकार को सूचित करना होगा। कितने दिन के अंदर, 90 दिनों के अंदर सूचित करना होगा भारत सरकार को। पहले लिमिट कितनी थी, 30 दिन के अंदर, पहले 30 दिन के अंदर सूचित करना होता था। यानी कि पहले क्या नियम था कि अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट भेजा है अपने घर वालों का, आप विदेश में रह रहे हैं और घर वालों के 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट भेजा है, यानी कि मान लेते हैं 1 लाख आपने 20 हज़ार भेजा है, तो ये इसकी जानकारी आपको किसको देना पड़ेगा, भारत सरकार को। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर भारत सरकार को देना पड़ता था प्राप्तकर्ता को। लेकिन अब 10 लाख की लिमिट हो गई है, 10 लाख तक आप भेज सकते हैं। 10 लाख के ऊपर अगर आप भेज रहे हैं, मान लीजिए आप 11 लाख भेज रहे हैं, तो आपको 90 दिन का टाइम मिल रहा है, इतने दिनों के अंदर आपको भारत सरकार को सूचित करना होगा। तीसरा है, व्यक्ति जो रिश्तेदारों के अलावा किसी और से विदेशों से पैसा प्राप्त कर रहा है, और संस्थाएं या एनजीओ को, ये जो विदेशों से पैसा प्राप्त करते हैं, जो एनजीओ वगैरह विदेशों से पैसा प्राप्त करती हैं, उनको 45 दिन के भीतर गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा। इनकी भी लिमिट पहले कितनी थी, इनको पहले 30 दिन के अंदर सूचित करना होता था, लेकिन अब 45 दिन का टाइम दिया गया है। अगला टॉपिक है क्रिप्टो एसेट्स में बाजार। ये थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, माइका, MICA। ये प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, MICA, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। ये क्या है, ये माइका एक नियम के एक बंडल हैं। इसके द्वारा बनाए गए हैं, ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा बनाए गए हैं, यूरोपीय यूनियन के द्वारा बनाए गए नियम हैं जो क्रिप्टो करेंसी उद्योग को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि पूरा यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ सहमत हुआ है कुछ नियम बनाने में जो क्रिप्टो करेंसी उद्योग को रेगुलेट करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है निवेशक व उपभोक्ता के लिए सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना, क्रिप्टो एसेट जारीकर्ता को कानूनी निश्चितता प्रदान करना, क्रिप्टो एसेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रतिस्पर्धा व नवाचारों को प्रोत्साहित करना। इनका मतलब क्या हुआ कि ये इन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देंगे, जिससे कि एक मार्केट में निश्चितता आएगी, निश्चितता आएगी। इसमें क्या होगा कि किसी निवेशक को ये भय नहीं रहेगा कि आज मैंने मान लीजिए बिटकॉइन में पैसा लगाया तो ये कल को बिटकॉइन बंद हो जाए या कहीं भाग जाए, ऐसा कुछ अभी क्या है, अनिश्चितता का माहौल रहता है, कब ये डाउन हो जा रहा है, कब अप हो जा रहा है, किसी इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कुछ नियम बनाए हैं जिससे इनको कानूनी मान्यता दी जाएगी। किनको, क्रिप्टो एसेट्स को। इन नियमों में NFT, नॉन फंजिबल टोकन, ये शामिल नहीं है। यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो बनाया गया नियम है माइका, इनमें नॉन फंजिबल टोकन शामिल नहीं है। इन नियमों के तहत क्रिप्टो कंपनियों व एक्सचेंजों को उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, और कंपनियों को अपनी ऊर्जा उपभोग का विवरण देना होगा। आपने इसको न्यूज़ में पहले भी कई बार सुना होगा कि ये जो लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, उन लोग एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक बार न्यूज आई थी मुंबई में भी कि कुछ लोग ग्रामीण एरिया में ये क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग कर रहे थे और पूरे गांव भर की बिजली वो एक ही कमरे में यूज कर ले रहा था। ये ऊर्जा उपभोग का जानकारी देना होगा कि आप ये एनर्जी ले कहाँ से रहे हैं, इसका बिल आप चुका रहे हैं या फर्जी तरीके से ले रहे हैं। ये नियम कंपनियों पे लागू होंगे माइका नियमों के तहत। माइका याद रखना है, माइका क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला नियम है जो कि यूरोपीय यूनियन द्वारा बनाए गए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के बाह्य ऋण में वृद्धि हो रही है, ये लगातार ऋण में वृद्धि हो रही है, ये क्यों? ये बाह्य ऋण होते क्या हैं? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बाह्य ऋण होते क्या हैं, किसे कहेंगे बाह्य ऋण? ये विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या विदेशी वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त ऋण को हम बाह्य ऋण कहते हैं। इसकी एक बाह्य ऋण में क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जिस मुद्रा में ऋण लिया जाता है उसी मुद्रा में इसे वापस करना पड़ता है। जैसे अगर आपने $100 लिया, मान लीजिए आपने $100 अमेरिका से उधार लिया, तो आप इसको अगर चाहें कि मैं इसको अभी मान लीजिए 80 रुपये, मान लीजिए चल रहा है 79 रुपये चल रहा है डॉलर का रेट, तो आप इसको 7,900 रुपये में उसको नहीं दे सकते हैं। ये आपको $100 में ही वापस करना होगा, किसको? USA को। जितने डॉलर आपने लिया है उतने ही डॉलर देने होंगे, आप किसी दूसरी करेंसी में अपना ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं अगर आपने विदेशी या कि फिर बाह्य ऋण लिया है तो। दूसरा है, बाह्य ऋणों पर ब्याज दर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट द्वारा संचालित होते हैं, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। बाह्य ऋणों पर ब्याज कौन फिक्स करता है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये एक संस्था है, ये बाह्य ऋणों पर ब्याज दर निश्चित करती है कि कितने ब्याज पे आपको बाह्य ऋण मिलेगा। आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए, थैंक यू।